अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ पाए चने की दाल वाले, और बेटा टाइम नहीं मुझे रेसिपी डालने का, तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत दिखा दूँगी आपको बस। और यहाँ पर पानी बॉयल होने रख दी हूँ मैंने, ताकि जैसे मेरा मसाला भून जाए पाए का, उसमें मैं ये पानी ऐड कर दूँ। ओके, और पाए में कभी भी ठंडा पानी मत डाला करो, क्योंकि पाए चढ़ जाते। ये देखो आज मच्छी वाले ने क्या लाया, कल इतना मच्छी मार्केट जाके आई मगर मच्छी मेरे को ढंग से मिला नहीं। खजूरा मिला, सुरमई मिली, कटकट मिला। तो अभी देखो इसने हलवा लाया है, और थोड़े झींगे लाया था 1 किलो जितने हैं शायद से, और ये थोड़ी सी मांदीली है, बस एक टाइम बनने जैसी। अभी ये लाया मेरा मच्छी वाला, तो मैं अभी फ्रिज कर दूंगी इसको साफ करके। पाए गल गए हैं, ये देखो अच्छे से, बहुत गर्म। जरा एक थंबनेल के लिए एक पाया ऊपर उठाना, रुक बढ़ा लेती हूँ चम्मच। जब से ट्राइपॉड आया ना, तब से ये इतना डरता है। देखो देखो देखिए, हमारा पाया बनके रेडी हो चुका है चने की दाल वाला। इसको हम शेरमाल से खाएंगे। और आज का व्लॉग रेसिपी व्लॉग शूट करने नहीं मिला, क्योंकि लेट हो गया था खाना बनाने के लिए। इसके लिए हमने थोड़ा क्लिप्स बता दिए और बस इतना ही। यहाँ हम कॉफ़ी बना रहे थे और व्लॉग लेते लेते दूध गिर गया गैस पर, देखिए पूरा दूध बाहर गिर गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही होंगे। तो आज दोपहर में मैंने पाए बनाई थी, बट अभी पाए तो ख़त्म हो गए, तो फिर मैं भी चलो रात में, बच्चे लोग ने बहुत दिन से मंदिली मंदिली कर रहे थे, तो आज मच्छी वाला आया था, तो फिर मैं आप लोगों को बताई ना मैंने मच्छी ली थी, तो सोची चलो मैंने, मेरी मंदिली फ्रेश अच्छी लगती है ज़्यादा, मेरे को नेक्स्ट डे मज़ा नहीं आती है ना पकाने में ना फ्रिज में रखने में, तो मैं बोली चलो फ्रेश फ्रेश है तो मंदिली फ्राई करूँ। और देखो सादा सीधा सा रात में एकदम लाइट सा खाना है। दाल बनाई हूँ मैंने थोड़ी सी, उसको बगाना बाकी है। ये राइस मेरा हो गया है, बस अभी मंदिली को मसाला लगाऊंगी और फिर फटाफट फ्राई करके हम लोग गर्मा गर्म खा लेंगे। अभी कमेंट आया था कि मच्छी मार्केट का जो ब्लॉग था ना मेरा, तो कोई पूछ रहा था कि ये किधर का मार्केट है, तो वो है डोंगरी का फिश मार्केट, वो डोंगरी का फिश मार्केट है। और वो तिलकुट और अचार की जो रेसिपी बोल रहे हैं ना, तो वैसे तो अचार की मैंने रेसिपी डाली हूँ फिर, बट फिर भी मैं प्रॉपरली उसको शूट करूँगी, एक बार सिर्फ अचार का वीडियो बनाऊँगी और उसको शूट करके मैं डालूँगी। और तिलकुट मेरा अभी असल में मैंने अभी हाल फिलहाल में ही पीसा है, तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर वो भी मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह से, तो उसका रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। बंदर गोभी रहेगा, पॉज कर। तो देखो मैंने बाजार मंगाई हुआ, प्याज आलू ये सब उठाए नहीं जाते हैं, ये
देखो एक किलो टमाटर मंगाई हूँ, ये शायद करेला है, ये टेंडली है, ये बैंगन है, हरे वाले है, ये मुझे ट्राई कर रहे थे फर्स्ट टाइम तो मैंने मंगाई होगी, और ये गवार है, आलू, ये सिंगट की फल्ली, आलू और प्याज के 6 किलो हो जाते, कौन उठाएगा, ये 2 किलो आलू हो गए, ये देखो ये 4 किलो प्याज हो गई, और ये शायद हाँ ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी है मेरे पास तो नहीं मंगाई। आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, और कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में, और इंशाल्लाह से कोशिश करेंगे आपको पूरी रेसिपी शेयर करने के लिए, कभी कभी रूटीन व्लॉग भी हम डाल देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।